स्पेशल एडिशन ऑफ मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स आप लोगों के सामने है, क्योंकि ये सिग्मा स्पेशल की सीरीज़ हमने बेलिनो पे स्टार्ट की थी, बट अब फ्रॉन्क्स आ चुकी है। ये ग्रैंड विटारा बाहर से है बट बेलिनो अंदर से है। एक सिग्मा मॉडल है जिसमें ना मिरर फोल्ड होते हैं, ना जिसके स्टेयरिंग में बटन है, ना जिसमें अलॉय है, ना म्यूज़िक सिस्टम है, ना सीट कवर है, ना आर्म रेस्ट है, ना एसी है। हर चीज़ लगा दी है, सिग्मा को स्पेशल कर दिया है, सिग्मा को अल्फा में कन्वर्ट कर दिया है विद द मारुति जेन्यून एलॉय व्हील्स। 16 इंच के जो डायमंड कट एलॉय व्हील्स आते हैं नेक्सा के, जेन्यून हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं। स्प्लेंडिड सिल्वर कलर की कार पे हमारा पहला वीडियो है, एंड स्प्लेंडिड सिल्वर की कार पे बहुत ही अल्टीमेट लुक देते हैं। एक अलॉय व्हील लगाने से पूरा जो लुक है मेरी गाड़ी को टॉप मॉडल का मिलता है। दूसरे हैं मेरे मिरर्स, द ORVMs मिरर। ये गाड़ी में जो लग के आते थे, बेसिक वाले लग के आते थे, जॉयस्टिक वाले, रिप्लेस करके ORVMs हमने लगाए हैं जो लॉक करने पे फोल्ड एंड अनलॉक करने पे ओपन होते हैं। ये भी मारुति के नेक्सा के जेन्यून है, हाई ग्लॉस पियानो ब्लैक में है। एक अलॉय व्हील, एक ORVM, एक सेंटर कनेक्टिंग टेल बार, यही तो खास बात है फ्रॉन्क्स की, यही तो पहचान है फ्रॉन्क्स की, जो दोनों लाइट्स को कनेक्ट करने वाली लाइट है। इट्स अ मारुति जेन्यून, एंड जेन्यून का एक प्रोडक्ट का की खास बात है ये ख़राब नहीं होती है, आज जैसी है 5 साल बाद भी वैसी ही। ये टेल लाइट आपको टॉप मॉडल में मिलती है, ये मिरर आपको टॉप मॉडल में मिलते हैं, ये एलॉय आपको टॉप मॉडल में मिलते हैं, ये रिफ्लेक्टर्स आपको टॉप मॉडल में भी नहीं मिलते हैं। द LED रिफ्लेक्टर्स जो ऑन होने पे एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के साथ ऑन होते हैं, एक स्कैनिंग पैटर्न के साथ आप लोगों के सामने है। 2-टोन हमने किया है गाड़ी को, हाफ यानी कि सिल्वर गाड़ी है। ये पैनल मेला पियानो ग्लॉसी ब्लैक था, तो वो ग्लॉसी ब्लैक शेड को हमने कंटिन्यू किया है यहाँ तक। मेरी ये लास्ट वाइट गाड़ी में भी आपको देखने को मिलेगा, ब्लू गाड़ी पे भी सिल्वर हमने किया है। ब्लैक रूफ रेल्स, ब्लैक डोर वाइज़र, ब्लैक पैनल, ब्लैक क्लैडिंग नीचे की तरफ, बहुत ही एग्रेसिव दिखता है दोस्तों। साइड वेंट्स हमने लगाए हैं, पत्रे पे जो इंडिकेटर थे रिप्लेस करके हमारे GT लाइन साइड वेंट्स हमने इसमें इंटीग्रेट किए हैं। बट मज़ा आने वाला है आपको इंटीरियर में, क्योंकि जो ग्रैंड विटारा का इंटीरियर है वो कलर हमने चूज़ किया है फ्रॉन्क्स के लिए, क्योंकि द कंप्लीट इंटीरियर हैज़ बीन डन इन द कोला एंड द वाइट कॉम्बिनेशन। ये कॉफ़ी नहीं है, ये ब्राउन नहीं है, ये है कोला कलर जो टॉप गियर ब्रांड ने न्यू कलर इंट्रोड्यूस किया है स्पेशली फॉर द फ्रॉन्क्स एंड द ग्रैंड विटारा। ये सीट कवर्स की फिटमेंट देख सकते हैं विथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुशनिंग जोन्स के साथ, जिसका एक एक जो स्टिच वर्क है देख सकते हैं, वाइट का डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। स्टेयरिंग पूरा का पूरा हमने रिप्लेस कर दिया है विद द अल्फा मॉडल स्टेयरिंग जो टॉप एंड मॉडल में आता है, बट अल्फा मॉडल में भी एयर बैग में लेदर नहीं आता है। कॉफ़ी एंड वाइट होल्डिंग पार्ट को भी हमने कोला कलर में रैप किया है, बट द लुक ऑफ द कार इज विद द डोर, जो पूरा दरवाज़ा है। सी माई डिज़ाइनिंग, कितनी मेहनत से शिद्दत से हमने डिज़ाइन किया है पूरे दरवाजे को। द ए पार्ट, द बी पार्ट, द सी पार्ट, ऑल द 3 पार्ट्स को हमने लेदर रैपिंग की है। सेंटर को वाइट रखा है, ऊपर एंड नीचे हमारा कोला कलर है। सी द लुक ऑफ माई डोर, पावर विंडो के जो पैनल्स हैं, इनर हैंडल के बाजू में जो प्लास्टिक्स थे, द हाई ग्लॉस पियानो ब्लैक कोटिंग हैज़ बीन डन ऑन द डोर्स। द डैशबोर्ड ऑफ माई कार इज़ इन द कोला एंड द पियानो ब्लैक। द टच स्क्रीन फ्रेम इज़ इन द पियानो ब्लैक। द अपर पार्ट ऑफ द AC इज़ इन द पियानो ब्लैक, द लोअर पार्ट इज़ इन द कोला कलर। सी द लुक ऑफ माई कार, जो गेयर नॉब है, गेयर के इधर का जो मेरा कंसोल है, एक एक प्लास्टिक पे कितनी मेहनत से और दिल से हमने काम किया है। आर्मरेस्ट नहीं आता था गाड़ी में, तो नेक्सा का जेन्यून आर्मरेस्ट भी लगाया है। AC नहीं आती थी पीछे वाले पैसेंजर के लिए, तो AC भी इसमें हमने दी है। बट द ब्यूटिफुल ऑडियो अपग्रेड विच हैज़ बीन डन बाई द नेट प्ले ब्रांड, नेट प्ले का जो मदरबोर्ड है
इट इज़ मेड इन जापान. द जापनीज टेक्नोलॉजी, कोई चाइनीज मॉडल लगाने की ज़रूरत नहीं है. चाइना के प्लेयर्स लोड होते हैं, लैग होते हैं, सब इसमें से हटा दिया है. द ऑडिसन कॉम्पोनेंट्स विच इज़ द AK6.5C2 विच इज़ द डबल क्रॉस ओवर, जिसमें वूफर यानी कि बेस अलग सुनाई देगा, ट्यूटर अलग सुनाई देगा, हमने इसके अंदर इंटीग्रेट किया. प्लेयर का इंटरफेस एंड जो लुक है फिट होने के बाद, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है. सी द टच रिस्पॉन्स, सी द वीडियो क्लैरिटी, द ऑफलाइन मैप्स यानी कि विदाउट इंटरनेट रास्ता दिखाने का सिस्टम, द रिवर्स कैमरा क्लैरिटी, इट्स द टोटली HD जो मेरे को उसके अंदर मिलती है. तो एक बार फिर से, चाहे मारुति की बलिनो हो, ब्रेजा हो, एटिगा हो, वैगनार हो, फ्रॉन्क्स हो, स्विफ्ट हो, डिज़ायर हो, विटारा हो, जो प्यार आप लोग ने दिया है, मेरा भी दिल करता है कुछ ना कुछ न्यू आप लोगों के सामने लेके आऊँ. द LED बल्ब्स हैव बीन अपग्रेडेड इन द हेडलाइट. अभी बोलेंगे लोग कमेंट में कि यार हेडलाइट तो तुमने नहीं लगाई टॉप मॉडल की. मैं वो भी लगा सकता हूँ, बट उसमें रोशनी नहीं है. हेडलाइट ओरिजिनल आपकी अच्छी है, बल्ब उस पर डालने पर रोशनी बढ़िया आपको मिलती है. द सिग्मा स्पेशल एडिशन ऑफ द नेक्सा फ्रॉन्क्स आप लोगों के सामने है. डेफिनेटली लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए. ड्राइव सेफली जी. हमारे साथ में हैं जो कातरत से हमारे पास आए हैं, जिनकी गाड़ी को हमने एक सिग्मा को स्पेशल में कन्वर्ट किया है. एक ही वीडियो मेरा देख के आए और एक ही चीज़ उन्होंने बोली, जो जेन्युइन है, जो अच्छा है, वो इस पर आप लगाइए. हम सर का वेलकम करते हैं. कभी जाली साहब गाड़ी कभी होती आणि कसा लुक झालेला? नाही, गाडीचा लुक तर चांगला झाला आहे, मस्त झाला. अगोदर जशी होती बेस मॉडेल, मॅक्विल नव्हते, आरसे नव्हते, सर्व टॉप मॉडेलची ओरिजिनल वस्तू आपण सर्व लावून टाक. व्यवस्थित आहे, व्यवस्थित. बरोबर, धन्यवाद आपल्याला. द फ्रॉन्क्स सिग्मा स्पेशल, डेफिनेटली लाईक करिये, कमेंट करिये, सबस्क्राईब करिये. ड्राईव्ह सेफली. थँक्यू.